हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया ही हूँ। तो मैं आज अपने गार्डन में काम कर रही थी तो एक बना रही थी जो हमारे लिए कितना गोल्ड कीमती होता है, वैसे ही पौधों के लिए एक जो गोल्ड ब्लैक गोल्ड बोलते हैं वो खाद होता है, वो भी पौधों के लिए बहुत कीमती होता है। तो मैं वही खाद बना रही थी, मेरी बन चुकी है आधी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और खाद हम कैसे बनाते हैं जो हमारे किचन वेस्ट होता है उसमें से, तो मैं आपको वही दिखाना चाहती थी क्योंकि हर कोई किचन में काम करता है तो उनका वेस्ट बच जाता है, तो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं कचरे में और हमारे काम नहीं आता। अगर आपके पास पौधे हैं तो आप वो खाद बना के अपने पौधों के लिए एक गोल्ड खाद बना सकते हो जो आपके पौधों के लिए बहुत कीमती होता है। तो मैं वही बनाने जा रही थी तो मैं सोची कि क्यों ना ये वीडियो आपसे शेयर करूं। और भी मैंने एक खाद बनाने के लिए रखी है, वो भी मैं आपको दिखाऊं ताकि वो भी जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने कितनी गलती कर 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 के यहाँ तक मुझे नॉलेज मिली है, वो नॉलेज आपसे शेयर करूं। और आपको भी ये सारी बातें चीज़ें बोलूं ताकि आप भी अपने गार्डन के लिए, जिनके पास पौधे हैं वो अपने गार्डन के लिए गोल्ड खाद बना सके। जैसे हमारे लिए गोल्ड कीमती होता है, वैसे ही हमारे पौधों के लिए, पेड़ों के लिए गोल्ड खाद बहुत कीमती होता है। तो चलो बातें ज़्यादा ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि हम गोल्ड खाद कैसे बनाएंगे। तो ये देखो, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना आपको, ये मेरी खाद है जो बन के रेडी है। और इसमें बहुत सारे कीड़े हैं जो हमारे खाद है उसको डिकम्पोज करते हैं। तो ये खाद हमारी आधी बन चुकी है, मैंने ये खाद बोरी में बनाई थी इसलिए मेरी बोरी यहाँ पे पड़ पड़ के थोड़ी सी टूट गई थी। तो मैं सोची कि नीचे जो खाद बनी है उसको मैं निकाल दूँ और इसकी जो ऊपर वाली खाद नहीं बनी वो मैं खाद, ये मेरे पास पुराना टॉब है, कंटेनर है, उसमें मैं खाद बनाने के लिए डालूंगी। और ये सारा किचन वेस्ट है उसमें से ही मैंने खाद बनाई है। और जो मेरे पौधे हैं आंगन में, उनके जो पत्ते हैं उनको मैंने ऐसे इकट्ठा करके एक बोरी में भर के रखे थे, तो इतने सारे मेरे पास पत्ते हो गए हैं। और ये गोबर की खाद है जो मैंने रखी थी, लेके आई थी मेरी मम्मी के घर पे, गाय आपको पहले मैंने वीडियो में दिखाया है तो वहाँ से मैं लेके आई हूँ। अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है फिर भी चलेगा, फिर भी आपका ये गोल्ड खाद बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको बताती हूँ कि हमको ये खाद बनानी कैसे है। तो मेरे पास ये पुराना वाला टब है जो पहले से टूट गया था और नीचे से मैंने ड्रेनेज होल कर दिया है। तो अब इसमें खाद हम बनाएंगे, पहले हम सूखी लेयर बनाएंगे, जो मेरे पास सूखे पत्ते हैं वो मैं पहले डालूंगी। और ये कुछ पेपर्स हैं जो ये भी हमको तोड़ के डालने हैं, जो ये कार्बन का काम करेंगे और डिकम्पोज करने में उनको खाद को हेल्प करेंगे। तो पहले मैं एक सूखी लेयर बनाऊंगी। अब इसमें हम अपना जो किचन वेस्ट है वो डालेंगे जो थोड़ा सा डिकम्पोज हो गया है, और ऊपर देखो जैसे फूग सी हो गई है, तो ये हमको डालना है। तो ये मैं डालूंगी, एक लेयर इसकी मैं बना दूंगी। और हमको क्या करना है, एक सूखी लेयर एक गीली लेयर ऐसे बनाना है तो वो डिकम्पोज जल्दी हो जाएगा। ये मैं तीसरी बार बना रही हूँ, उससे पहले मैंने दो बार बनाया था तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। और ये मैंने जो हमारा कंपोस्ट खाद है वो डाल रही हूँ इसके ऊपर, ताकि ये हमारे जो न्यूट्रिशन है वो हमारे जो दूसरी खाद बन रही है उनको मिले और ये डिकम्पोज जल्दी हो जाए। तो एक है ना कि हम कुछ चीज़ करते हैं तो पहली बार में हमको सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन धीरे 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 हम उन गलतियों में से भी सीखते हैं।
जब मैंने पहली बार खाद बनाया था तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी और इनमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े और इसमें से इतनी भयानक सी स्मेल आने स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने उस खाद को हटा दिया था। उसके बाद मैंने दूसरी बार ट्राई किया तो थोड़ी अच्छी बनी, और ये मैंने जो आपने देखी भी कि बनी है वो थोड़ी सी गीली है, उसको मैं छांव में ही सुखा दूंगी। जो मैंने आपको बताई खाद उसको मैं छांव में ही सुखा दूंगी, तो बहुत अच्छी तरह से सूख जाएगी, तो हमारे पौधों के लिए तैयार हो जाएगी डालने में। और ये यहाँ पे मैं गोबर खाद डाल रही हूँ, जो ये भी डिकम्पोज अच्छी तरह से हमारी खाद को कर देगा। और जो हम ये खाद बना रहे हैं इसमें हम सिर्फ जो सब्जियों का वेस्ट बचता है, कच्ची वाली जो सब्जियां रहती हैं, जैसे कि छिलके, आलू के छिलके हो गए, मौसम्बी के छिलके हो गए, या हम जो सब्जी काटते हैं वो सब वही हमको डालना है इसमें। नहीं ब्रेड जाएगा, नहीं कुछ भी पके हुए चावल या कुछ भी ऐसा पका हुआ खाना कुछ भी इसमें नहीं जाएगा, नहीं रोटी कुछ भी नहीं। सिर्फ इसमें जो कच्ची वाली सब्जियां आती हैं और कच्चे वाले जो फ्रूट्स की छिलके आते हैं वही जाएंगे इसमें। और इसमें देखो मैंने जो पत्ते इकट्ठा करे थे उसमें थोड़ी थोड़ी प्लास्टिक आ गई थी, तो हमको प्लास्टिक भी इसमें नहीं डालनी, पॉलीथीन इसमें नहीं डालनी। आप जो आपके पास न्यूज़पेपर हैं वो सारे आप इसमें डाल सकते हो, आपकी हर हम न्यूज़पेपर लेते हैं वो डाल सकते हो, या फिर हम ऑनलाइन कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं तो उसके बॉक्स आते हैं वो भी आप उसके थोड़े थोड़े टुकड़े करके वो भी इसमें आप डाल सकते हो। तो देखो हमारे लिए भी खाना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हमारे पौधों के लिए भी खाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पौधे बहुत पसंद है, मेरे पास जो पौधे हैं उनके जो छोटे बच्चे की केयर करते हैं वैसे ही मैं उनकी केयर करती हूँ। अगर एक पौधा भी मेरे पास मुरझा जाता है तो मुझे इतना दुख होता है कि यार मैंने क्या गलती कर दी जो मेरा ये पौधा मुरझा गया, और वो गलती मैं बार बार दोहराती नहीं। इसकी वजह से मेरे पौधे लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, और मुझे पौधों से बहुत 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 प्यार है। किसी से प्यार नहीं होगा उतना मुझे पौधों से और पेड़ों से प्यार है। तो ये खाद मेरी एक रेडी है, अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देंगे। अभी तो मैं पानी छिड़क रही हूँ, अगर आपके पास छास हो तो वो भी आप ऊपर से थोड़ी सी छास में पानी मिला के ऊपर से छिड़क सकते हो। ये मेरा छास वाला ही बॉटल है, जो मेरी मम्मी के घर से छास आई थी, तो ये बॉटल में मैंने पानी डाल के फिर अच्छे से मिक्स करके मैंने ऊपर से छिड़क दिया है। तो आप थोड़ी सी एक चम्मच दही लेके, आपके पास छास नहीं है तो दही लेके फिर ऐसे इसके ऊपर पानी छिड़क सकते हो। और ये अब मैं जो अभी मेरे पास और भी खाद बची है तो मैंने सोचा कि एक मैं बोरी में बना लेती हूँ। वैसे मैं बोरी में ही बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी टब टूट गया था तो मैं सोची कि इसमें अभी मैं कंपोस्ट करना स्टार्ट कर देती हूँ। और बोरी में भी अच्छी तरह से खाद बन जाती है, मैंने जो खाद बनी हुई थी खाई वो मैंने बोरी में ही बना दिया, लेकिन बोरी का ऐसा है कि 3 महीने तक बोरी नहीं चलती, वो बीच में ही टूट जाती है। तो वैसे भी इस खाद को हमको छांव में ही रखना है, लेकिन फिर भी बोरी ऐसे टूट जल्दी जाती है तो फिर प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने अभी टब मेरे पास टूट गया था तो मैंने टब में बनाया। और भी मैं देखूंगी, प्लास्टिक का कोई कंटेनर मुझे बड़ा मिल जाएगा तो मैं उसमें खाद बनाना स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मेरे पास बोरी है तो मैं उसमें ही बना रही हूँ। और ये बोरी में भी अच्छी तरह से बन ही जाता है, लेकिन टूटने का वो होता है, और बोरी में हवा भी अच्छी तरह से पसार हो जाती है, जो अंदर अच्छी तरह से हवा जाएगी तो हमारा डिकम्पोज भी अच्छी तरह से हो जाएगा। और मैंने टब में भी नीचे से होल कर दिया है, ड्रेमेज होल कर दिया है, उसके नीचे आप कोई भी कंटेनर रखोगे, ऊपर से जब पानी डालोगे तो वो कंटेनर में जो पानी आएगा, अगर एक कप आपका पानी हो जाता है तो एक बाल्टी में आप वो कप पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके आपके पौधों के जड़ों में या पौधों के ऊपर भी छिड़क सकते हो। और इसमें आप डिकम्पोज अच्छी तरह से हो जाए, इसलिए ये 3 महीने लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, अभी सर्दियां हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसमें नमी की कमी ना रहे वो उसका ध्यान रखना है, अभी तो सर्दियाँ हैं
जब गर्मियाँ होती है तो हमको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें नमी की कमी ना रहे, तो आपको बीच बीच में इसमें पानी छिड़कना है। आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का लेके पूरी रात भिगो के ऐसे रख सकते हो, उसमें जब गुड़ पिघल जाए तो ऊपर से आप इस पानी को छिड़क दोगे। अब एक मंथ में एक ही बार करना है क्योंकि उस पर चींटियाँ और ये सब आती हैं, मंथ में एक बार ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप छाछ का पानी होता है वो भी डाल सकते हो, छाछ नहीं है तो दही वो भी डाल सकते हो। तो इससे है ना जो डिकम्पोज होने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको खाना मिलता है, तो वो आप हमारी खाद को जल्दी डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये जितना जल्दी डिकम्पोज होगा उतना जल्दी हमारे पौधों के लिए खाद बन जाएगा। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखोगे तो आपकी खाद बिना स्मेल और कीड़े मकोड़े से बन जाएगी। हाँ, इसमें चींटियाँ और कीड़े तो आएंगे ही, अगर कीड़े नहीं आएंगे तो डिकम्पोज कैसे होगा, कीड़े हैं वही हमारी खाद को डिकम्पोज करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे मैंने एक बोरी बना ली जो हमारी खाद की रेडी है, एक बोरी बनाई और एक टब बनाई। तो ये देखो एक पूरी बोरी बन गई, ऊपर जगह है तो ऊपर मैं और मेरा जो किचन का वेस्ट आएगा वो मैं डालूँगी, और ऊपर हमको खुला नहीं छोड़ना है, इसको ढक के रखना है। मतलब कि जब हम कोई गीली चीज़ डालें तो उसके ऊपर सूखी चीज़ आनी ही है। और ये देखो ये मेरी खाद है जो बन के रेडी हुई है, तो मैं इसको ऐसे ही खुला कर दूंगी इधर ही, क्योंकि इधर मेरे इस साइड पूरा दिन छाँव ही आता है, धूप नहीं आती, तो मैं ऐसे खुला करके छोड़ दूंगी। तो ये अच्छी तरह से सूख जाएगी, तो मैं और कोई एक कंटेनर होगा जो ढक्कन वाला उसमें मैं भर के रख दूंगी, तो जब भी मुझे चाहिए होगा पौधों में डालने के लिए तो वो काम आ जाएगा। और मुझे पौधे भी लगाने हैं तो उसमें भी ये खाद मुझे चाहिए होगा, क्योंकि गोबर की खाद थी वो तो मैंने सब इसमें डाल दी है। तो ये सूख जाएगा, उसके बाद मुझे दूसरे पौधे लगाने हैं, उसमें काम आ जाएगा मेरा खाद। और थोड़ा थोड़ा देखो इसमें जो क्या होते डंठने थी वो डिकम्पोज नहीं हुई है जल्दी, और पत्ते वत्ते थे वो डिकम्पोज हो गए। और ये मैंने दूसरी खाद यहाँ पे लिक्विड खाद बना के रखी, बनाने के लिए रखी है, इसमें मैंने गोबर की जो खाद थी वो डाली है, और लहसुन के छिलके और प्याज के छिलके ये सब मैंने डाला है, और थोड़ा सा गुड़ चाहो तो आप डाल सकते। मैंने इसको अगली रात को अगली शाम को भिगाया था, तो और मैं एक रात रखूँगी, उसके बाद मैं कल सुबह अपने पौधों में गुड़ाई करके ऊपर से छिड़कना होगा तो ऊपर से छिड़कूँगी, नहीं तो जड़ों में दे दूँगी। और आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, आप सबका सपोर्ट ही चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार आए हो। अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो चैनल पे जो वीडियो है उनको देखो पूरा एंड तक, और वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहो। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और मिलती हूँ ऐसे ही और नॉलेज के साथ, और तब तक के लिए बाय।